कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं अटल ब्रिज और इस भारी बरसात में हम लोग आपको दिखाएंगे अटल ब्रिज का नज़ारा, जो काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ का स्ट्रक्चर भी काफ़ी खूबसूरत है, जो कि आप देख सकते हैं। बारिश के कारण अभी भीड़ बहुत कम है, तो आप भी इस मौसम में घूमने आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से पूरा आपको रिवर फ्रंट का नज़ारा देखने को मिल सकता है। यहाँ से पूरा आपको रिवर फ्रंट का नज़ारा देखने को मिल सकता है और यहाँ भी। वो जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो जमालपुर ब्रिज है। ब्रिज का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे काफ़ी बरसात हुई थी और बरसात के वजह से ये आप देख सकते हैं फॉग, क्योंकि ये हमारे सामने सरदार ब्रिज है, उसकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई है अभी। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अभी बरसात के बाद। अटल ब्रिज गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर बना एक पदयात्री पुल है। इसका डिज़ाइन पतंगों से प्रेरित है। 300 मीटर लंबे और 10 से 14 मीटर चौड़े इस पुल का उद्घाटन 2022 में किया गया था। इस ब्रिज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। यह साबरमती रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्चिमी किनारों को आपस में जोड़ता है। रात में जब इसे एलईडी लाइट से सजाया जाता है तो नज़ारा देखने लायक होता है। अटल ब्रिज को फ्लावर गार्डन से जोड़ा गया है, जो साबरमती रिवर फ्रंट के पश्चिम में बनाया है। वहीं पूर्व में कल्चर सेंटर है। दोनों तरफ टूरिस्ट का रास्ता आसान करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इस पुल को 74 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। दूर से पुल का नज़ारा एक विशाल मछली की तरह दिखता है। यह एक ट्यूबलर स्टील सुपर स्ट्रक्चर है, जिसका डिज़ाइन एक प्रतियोगिता के बाद चुना गया था। कमाल की तकनीक और अद्भुत डिज़ाइन से बनाया गया अटल ब्रिज साबरमती रिवर फ्रंट की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इस ब्रिज पर बैठने के लिए बेंच लगाई गई है। एलईडी लाइटिंग, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। आप यहां शाम का वक्त अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।